अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल रेसिपीज़। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फ़िश करी की रेसिपी। तो बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही टेस्टी बनने वाली फ़िश करी की रेसिपी है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिना स्किप करें। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास रावस मछली है, ये छोटी वाली रावस मछली है। आप इसके जगह कोई भी मछली लेकर इसी तरह से बना सकते हैं। इसमें एक टेबल स्पून भरकर हल्दी डाल देंगे और एक टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। अब इन सभी मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मछली में। इसमें थोड़ा भी पानी नहीं डालेंगे, बस इसी तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो ये मछली को मैंने नमक के पानी में अच्छी तरह से धो लिया था, तो इसका जो स्मेल रहता है वो सारा निकल जाता है। तो देखिए मसाला मिक्स हो चुका है हमारा, इसको रख देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए साइड में। अब यहाँ पर मैंने तेल गरम कर लिया कढ़ाई में, तो मछली को हमें इसमें फ्राई कर लेना है। शैलो फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। तो एक बार में जितना भी आएगा मछली उतना फ्राई कर लेंगे और बाकी का बाद में कर लेंगे हम फ्राई। तो अच्छी तरह से दोनों तरफ से हमें गोल्डन कलर आने तक के पका लेना है। मीडियम आंच पर रखकर पका लेंगे इसको। तो यहाँ पर मछली देखिए हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो इसको अब अलग प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं और बाकी के भी जो मछली है उसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए अब इसको साइड में रख लेते हैं और हमें थोड़ा मसाला बना लेना है ग्रेवी के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक लहसुन की गांठ ली है बड़ी वाली, उसको छील कर ले लेंगे। और यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज है जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। प्याज डालने से हमारा ग्रेवी जो है बहुत अच्छा थिक हो जाता है, तो इसके लिए प्याज को भी साथ में पीस लेंगे। और एक छोटी चम्मच राई डाल देंगे इसमें, सरसों, और एक छोटी चम्मच ज़ीरा, काली मिर्च डालेंगे आधी छोटी चम्मच। थोड़ा सा पानी डालकर इसको बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। अगर आपका पेस्ट बारीक ना बना हो तो थोड़ा पानी और इसमें डालकर पेस्ट बना ले अच्छी तरह से, बिल्कुल बारीक सा कर लेना है। तो यहाँ पर मेरा तेल गर्म हो चुका है, तो मैंने सेम कढ़ाई ली है जिसमें हमारा फिश फ्राई हुआ था मछली, तो उसमें तेल बचा हुआ था। और अगर नहीं हो तो आप थोड़ा तेल उसमें और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मेथी दाना डाल रही हूँ, बस हमें 12 से 15 दाने डालना है मेथी के। और जो मसाले को हमने पीस कर रखा था उसको ध्यान से डाल देंगे इसके अंदर। तो इसके छींटे देखिए बहुत ज़्यादा ऊपर तक आने लगता है, तो आप ध्यान से डालें। और जो हमारे मिक्सर जार में थोड़ा भी मसाला लगा होगा उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और हिलाकर उसको भी डाल देंगे इसके अंदर। बस थोड़ा सा ही पानी डालना है। अब यहाँ पर बाकी के भी मसाले डाल लेते हैं। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और एक चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली, इससे अच्छा कलर आएगा हमारे ग्रेवी में। धनिया पाउडर है यहाँ एक टेबल स्पून भरकर, और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। सभी मसाले को बहुत अच्छी तरह से हमें भून लेना है, तो ढक्कन लगाते हुए भूनेंगे तो अच्छा रहेगा। बस थोड़ी थोड़ी देर में हमें ढक्कन हटाकर इसको भूनते रहना है। लगभग 10 से 15 मिनट तक के अच्छी तरह से भून लेंगे, जिससे कि मसाले का जो भी कच्चापन है सब खत्म हो जाएगा और मसाले में अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो बस इस तरह से आपको भूनते रहना है। और अगर ज़्यादा मसाला सूखा लगे तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको भून सकते हैं। अच्छी सी खुशबू और तेल जो है ऊपर सेपरेट हो जाना चाहिए जब तक कि हमें भून लेना है इसको। तो देखिए अब हमारे मसाले का जो कलर भी है थोड़ा चेंज हो चुका है, लगभग मैंने इसे 10 मिनट तक के इसी तरह से भून लिया है। तो अब इसमें टमाटर भी डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को लेकर बारीक बारीक इस तरह से काट लिया है। टमाटर ज़्यादा डालेंगे तो हमारी ग्रेवी में एक अच्छा खट्टापन सा आ जाता है, इसके लिए मैं टमाटर यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। टमाटर गलने तक के हमें अच्छी तरह से इसे पका लेना है, तो बस थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको ढक्कन लगाकर रख देंगे टमाटर गलने तक के, बस पका लेना है हमें। इससे हमारी जो ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है और बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है। देखिए आप देख सकते हैं टमाटर हमारा पूरा गल चुका है इसमें। आप चाहे तो इसको दरदरा सा मिक्सर में पीस कर भी डाल सकते हैं टमाटर को,
तब टमाटर भी गल गया है और सारा मसाले में वो मिक्स हो चुका है। तब यहाँ पर एक कप जितना पानी डाल देंगे। आप ग्रेवी अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको थोड़ा थिक ग्रेवी चाहिए या फिर पतला चाहिए, उस हिसाब से आप पानी डाल लें इसमें। तो मैं ज़्यादा ग्रेवी को ज़्यादा पतला नहीं कर रही हूँ, थोड़ा गाढ़ा रखना है हमें। तो बस मैंने एक कप पानी डाला और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक वगैरह आप यहाँ पर चख सकते हैं, अगर कम लगे तो आप नमक फिर से डाल सकते हैं इसमें थोड़ा और। तो बस इसको एक उबाल आने तक के पका लेंगे और उसके बाद हमने जो मच्छी को फ्राई करके रखा था उसको डाल देंगे इसके अंदर और इसको हल्के हाथों से चला लेंगे। बस बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसको बीच में कर देना है और थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे ऊपर से, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी हमारे ग्रेवी में। अब ढक्कन लगाकर इसको सिर्फ 5 मिनट तक हमें पका लेना है, जिससे कि जो भी मसाला हो सारा मच्छी के अंदर अब्सॉर्ब हो जाए अच्छी तरह से। तो देखिए हमारी फ़िश करी जो है बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही आसान तरीका है ये, आप भी ज़रूर अपने घर पर ट्राई करें इसे। आप इसको रोटी चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और मेरी इस रेसिपी को बनाकर एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।